साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, जैसे हम ये घर पहले से ही आपको दिखाते आ रहे हैं, जो हमने बुनियाद भरी थी उस दिन से ये घर हमने आपको दिखाया है। पूरा का पूरा घर हमने अपने YouTube चैनल मिस्त्री सुभान पर अपलोड कर दिया है, तो आप ये पूरा घर बनते हुए देख सकते हैं। कुछ डिज़ाइने हमने रखी हैं, सादा सा डिज़ाइने हैं, लेकिन हमने जो रखी हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, और जो हमने नक्शा बनाया है आज वो नक्शा पूरा दिखाते हैं। तो आज ये आप नक्शा देखें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि हमने जो सीढ़ी बनाई है, या जो घर का नक्शा रखा है, या जो किचन बनाया है, या जो ये पोर्च बनाया है, क्या ये हमने सही बनाया है और जहाँ रखना चाहिए वहीं पर रखा है। तो अपने राय का इजहार ज़रूर करें और हमें लाजमी बताएं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, इस घर का ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से हम एंट्री करेंगे। टोटल जो ये प्लॉट है, ये 110x40 फुट का ये प्लॉट है, लेकिन जो मैंने घर मेन घर बनाया है वो 40x40 में बनाया है। आगे जो सहन बचता है वो 40x70 फुट का है। तो ये घर की लोकेशन है, सामने आप देख सकते हैं। तो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि इसका घर का अंदर से नक्शा कैसा है। ये साइड में पर्दे की दीवार जो मैंने बनाई है, इसमें हल्की सी डिज़ाइन रखी है, जो स्टेप आपको ऊपर नज़र आते हैं, तो ये दोनों साइडों से एक खूबसूरत मैंने डिज़ाइन बनाया है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये तीन साइडों से मैंने दीवार बनाई है। ये सामने आप ये देख रहे हैं, ये बंदा जहाँ खड़ा है मज़दूर, तो ये पोर्च है। इसके सामने ये 8 फुट का मेन दरवाज़ा है जहाँ पर हम अंदर दाखिल होंगे। ठीक है, ये मेन दरवाज़ा है 8x8 का। और ये साइड में एक किचन है, ये देखें, ये साइड में किचन है। इसका दरवाज़ा मेन घर से बाहर है, यानी पोर्च में से इसका दरवाज़ा किचन में जाता है। और ये एक छोटी सी गैलरी मैंने दी 2.5 फुट की। ये सामने मेन बोर्ड रखा है बिजली का इसमें, और साइड में ये विंडो है जो अंदर खुलता है। जो मेन हॉल है अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इस बोर्ची खाने में दाखिल हुए हैं, ये जो किचन है इसमें दाखिल हुए हैं। अभी इसमें स्लैब बनना बाकी है, टाइल लगानी बाकी है। इसमें दो ऊपर ये वेंटिलेशन के लिए मैंने गुजारे रखे हैं, रोशनदान रखे हैं। ठीक है, तो ये 8x12 का किचन था। और ये सामने आ गए, फिर ये साइड में मैंने 1.5 फुट की लंबी सी गैलरी पूरे घर को दी है। देखें, तो इसको दोनों साइडों से मैंने वेंटिलेशन दी है। तो ये देखें, ये एक विंडो है, इस विंडो से मैंने ये आपको सामने, ये मेन हॉल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग हॉल भी है, ये बड़ा हॉल है, 13x30 का ये हाल है। फिर आगे चलते हैं, एक और विंडो में आपको ये दिखाता हूँ। ये एक रूम है, ठीक है, इस विंडो से मैंने ये वीडियो की है। देखें, तो ये एक रूम है। ये साइड में आप ऊपर देख रहे हैं, ये बड़े बड़े रोशनदान मैंने रखे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए रखे हैं, आप देख सकते हैं। इस गैलरी से हम फिर वापस आ गए, मेन दरवाज़े से हमने अंदर दाखिल हुए हैं। और जो मैंने डाइनिंग हॉल या ड्राइंग रूम दिखाया है, ये आप देख सकते हैं, उसमें दाखिल हो गए। ये 13x30 का हॉल है, बड़ा सा हॉल है, और ये साइड में सीढ़ी है। ठीक है, मेन दरवाजे से एंट्री करके हम सीढ़ी पर ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये दो रूम है आगे सामने देख रहे हैं, एक डोर एक विंडो, एक रूम में है, एक रूम में हम दाखिल हो गए। इस रूम में एक और दरवाज़ा बाहर खुलता है, जो साइड में हमने एक बड़ी सी गैलरी दी है 6x30 फुट की, हम बाहर वो भी आपको दिखाते हैं। तो इसमें हमने एक वॉशरूम रखा है बेहतरीन, ये 8x6 का वॉशरूम है। इस साइड पर हमने वॉशरूम रखा है, और इस साइड पर हम जो है
स्टोर पर बनाएंगे या कोई शोकेस बनाएंगे, बहुत सारी जगह है ऊपर। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने वेंटिलेशन का पूरा निज़ाम रखा है ताकि रोशनी और हवा घर में दाखिल हो। ये दूसरे रूम में आ गए, ये दूसरे रूम में हम दाखिल होते हैं। इसके साइड में ये जो डोर देख रहे हैं, ये ड्रेसिंग रूम है। इस ड्रेसिंग से ही अंदर ये एक और डोर है जो लेटरिन बाथरूम है अंदर, ठीक है, ये भी अटैच है। इसके साइड में ये आप विंडो देख रहे हैं, ये विंडो जो पहले मैंने गैलरी दिखाई 2.5 फुट की, उसमें खुलती है। फिर हम ऊपर आपको दिखाते हैं कि ऊपर कौन सा मैंने काम किया है। ऊपर हम जाते हैं, आप देख सकते हैं अभी इसमें स्लेब लगना बाकी है, सीढ़ी में बहुत काम है। फ़िलहाल हम एक दो दिन में ये काम बंद करेंगे, फिर कभी शुरुआत होगी। ये पर्दे की दीवार मैंने बनाई है, तकरीबन 5 फुट की है। ये हमने मार्बल लगाया है, मार्बल ज़रूर लगाएं ताकि आपकी ज़िंदगी भर जो छत है कभी बहे ना, आपका घर का जो छत का लेंटर है वो ना बहे। और साइडों में हमने इसकी जो देख रहे हैं ये के मसाले का गोला दिया, ये टावर है, सीढ़ी का टावर है, ठीक है। और ये कॉलम मैंने मार्बल से बाहर निकाल दिए है ताकि दूसरी बार मार्बल तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, ये छोटा सा घर आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे YouTube चैनल मिस्त्री सुभान को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।